अब अगर हम यहाँ से चर्चाएं करें तो आप देख सकते हैं कि एक काफी बेहतरीन प्ले आपको चलता हुआ दिखेगा जरूर से। और अब टीम गॉडलाइक जो इतनी देर सर्वाइव करती वो कितनी आगे तक जा पाएगी, ये वो एक सवाल है जो जहन में रहेगा। कंपाउंड पकड़ के कोई खास फायदा होने नहीं वाला पोचिंग का, तो वो पहले बाहर निकल गए, बट टीम गॉडलाइक को अभी भी कंपाउंड के इलाके पे ही रह गई थी और इसकी वजह से जेली को भी अप डाउन किया। सिर्फ वो आखिरी खिलाड़ी कहां तक लेके जा पाएंगे अपनी टीम को, बट अभी के लिए देखिए कप्तान को बचाने का रिस्क थोड़ा सा उठाए तो जा सकते हैं। जाइए आप गाड़ी से उतरिए और अभी कप्तान को जा सकते हैं। अब देखिए एक और काउंट बढ़ता नजर आ रहा है यहाँ से, जैनिव की एक और फ्रैग निकालेंगे, सेम मोक्ष का वो फ्रैग निकालेंगे, यानी अब एचएस भी धीरे धीरे करके फंसती नजर आ रही है। यहाँ से बैल्फ के पास तो नहीं है, यहाँ पर बटन के साथियों के पास रहेगा तो चेंज करेंगे तो पता चल पाएगा, लेकिन अभी के लिए जैसी जैली आगे की कोशिश कर रहे थे उनको स्पॉट किया जाता है। मैक्सी के पास को विजर्ड टावर का एक अच्छा खासा एक्सेस, तो शायद सिम का बच पाना ही थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ से, तो काफी काफी मुश्किल हो रही है यहाँ पे ये चीजें। बट बात करेंगे अब यहाँ पे कमलास की, तो आप देखिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं टीम गॉडलाइक के जेली वो चुपचाप रिंगते रिंगते अंदर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, क्या रिवाइवल हो जाएगा डोंट से कि अब यहाँ पर टीम गॉडलाइक को पूरा एक मौका दिया रिवाइवल करने का, और इन फाइट्स के बीच से कोई आया ही नहीं उन्हें तंग करने, ऑलरेडी सबने पहले यूज कर लिया, तो आपके पास बचे तो आप यूज करिए और सिम के पास बचे तंग करेगा, और हैदर हाइडर जो आगे बढ़े उन्हें पीछे धकेलेगा मर्डर के ऊपर भी एक कन्फर्मेशन किया। तो और देखिए वो एप के नहीं है बताना चाहेंगे, वो खत्म हो चुके हैं तो शायद माइट भी डिस्कनेक्ट करके गेम को बंद कर दी क्रिप्टो ने, उनको घर दबोचा पकड़े गए वो यहाँ पर। और अभी के लिए हाँ तो जरूर गए थे टीम गॉडलाइक खिलाड़ी, लेकिन अरमान फिर उन्हें काफी टीमों के अरमानों में पानी फेरा था, और अभी के लिए देखते हैं बाकी की तरफ किसके साथ होते नजर आएंगे। बट रिफ्लेक्स तो देखिए, क्विकनेस तो देखिए इस खिलाड़ी की, सर्कल के बाहर जाकर डैमेज खाकर ये फाइट कर रहा था, बट अभी के लिए वक्त रहते उनके साथ ही उनके जो टीममेट्स है वो आ जाएंगे, बट अभी के लिए रिवाइवल देना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। मार्किंग चल रही थी प्लेयर की जिसकी वजह से पहले उस नॉकआउट खिलाड़ी को समाप्त किया गया, लेकिन अपनी दिशा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने प्लेसमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रैल्फ निकालेंगे वहां पर, अभी भी नहीं दिख रहा है खिलाड़ी है तो है क्या, कुछ रैंडम फ्रैग आपको निकालने पड़ेंगे, कुछ रैंडम स्पैम करने पड़ेंगे, लेकिन जी नहीं इस बार बाजी मार के जाते हैं रैल्फ बहुत ही शानदार। बट दूसरी तरफ चैली आ तो जरूर जाएंगे, लेकिन क्रिप्टो क्या उन्हें स्पॉट किया गया, नहीं अभी के लिए नहीं देखा गया, बट वो एशिया के पीछे अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा हील बैटल, लेकिन चैली आना तो पड़ेगा आपको सर्कल के अंदर, फ्रैग्स काउंट नहीं है ज्यादा, लेकिन क्रिप्टो अगर पहुंच जाते वक्त है तो बात बन सकती है, लेकिन अभी के लिए कह सकते हैं बात यहाँ पर टीम गॉडलाइक की बनते नजर आ सकती है, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी बचे नजर आएंगे। और अभी है तो जरूर यहाँ पर गॉडलाइक के पास नंबर्स का एडवांटेज, सेम हेल्थ को रीगेन कर लीजिए, बट रैल्फ क्या एक चमत्कार करके दिखा सकते हैं यहाँ पर चिकन निकाल करके, नहीं लग तो रहा एक मौका रह सकता रैल्फ के पास भी, बट टीम गॉडलाइक को भी देखिए कितनी दूर तक सिर्फ पहुंचे, देखिए एक फर्स्ट एड आपको थ्रो होता हुआ दिखा था। जी हाँ बिल्कुल, और चलिए वो फर्स्ट लगा भी लेंगे वो अगर यूटिलिटी फेंकी गई है तो वह इसका इस्तेमाल किया जाए। अब सिम की बात करें अपने कप्तान को भी नॉकआउट करवा बैठे हैं यहाँ पर। इस दौरान हरमदार यहाँ से टीम गॉडलाइक को रोकना चाहते हैं, क्योंकि पिछला ही मुकाबला एक कमाल का चिकन, लेकिन ये क्या क्या ओवर कुक कर बैठे। जी हाँ स्लग छोड़ना था आपको ग्रेनेड, लेकिन अब उसके ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी गई है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के द्वारा, और अब निंजा बॉय वो क्लच करके वो मौका नहीं देने वाले, तुरंत ही आगे जाने की खुराक में रहने वाले, लेकिन ये आने के लिए रैकनिंग भी आ चुकी है, शायद यही वो रीजन था कि शायद वो अंदर नहीं गए। ब्लू का ग्रेनेड क्या कमाल का, स्लग को तो मौका ही नहीं मिला यहाँ पर अपने आप को हील करने का, और खत्म भी करेंगे एड बिलो, क्या कमाल की ग्रेनेडिंग। ब्लू ग्रास टीम वाइको सोल के साथ भी बैटल में जाते देखेंगे यहाँ पे स्क्वाड्स, और लीजिए टीम वाइको सोल का एलिमिनेशन, 8 टीमें 25 खिलाड़ी और स्टेज नंबर 3 है गेम्स हुई है, और टीम गॉडलाइक एडमिनो कोई उनकी पोजीशन ढूंढ कैसे नहीं पा रहा है। एक और टीम फॉरएवर आई है, पोजीशन ढूंढ रहा है, टीम रेकनिंग आर रेडी फॉर द फाइट, दे आर गोइंग फॉर द फाइट एंड दे आर गेटिंग गुड वैल्यू आउट ऑफ दिस फाइट, तो सबसे कमाल की बात है एडमिनो के द्वारा माफिया का कंफर्मेशन, अभी भी ग्रेविटी जॉट कायम है, और अगर दैट कि वो विजन्स ब्लॉक किए जा सकते हैं ताकि वो खिड़की के अंदर नहीं आ पाए, वगैरह अगर कुछ डैमेज वगैरह है तो अपने आप को थोड़ा सा बहुत बचा के रख पाए, लेकिन एडमिनो यहाँ पर एमजे को करेंगे नॉकआउट। अब लग रहा है एडमिनो एक अनस्टॉपेबल फोर्स से नजर आ रहे हैं, बट अगर वही सोच रहे हैं कि अगर उनका साथ देने के लिए कोई उनके टीममेट्स अगर रहते तो और भी ज्यादा वो बेस्ट रिजल्ट दिखा सकते थे, अभी के लिए टॉप 6 की जर्नी करवा दी है। 7 फिनिशेस अकेले इस खिलाड़ी निकाले हैं, मिड के खिलाड़ी बहुत निकल है, बहुत निकल है, डार्क लॉर्ड ने देखा और डार्क लॉर्ड को एडमिनो ने भी देखा, एडमिनो नॉकआउट किया, एडमिनो गोइंग फॉर द कंफर्मेशन फिनिश, सिक्योर किया एक और मौका आ सकता था बट वो फिनिश नहीं आ पाया इनके हाथ, इमॉर्टल ने उस फिनिश को चुराया। इंतजार करें कि ठीक है आप गलतियां करिए आधार निकले तब मैं आगे बढ़ूंगा, बट वही बच्चा चाहे एडमिनो की देखिए बाहर निकलने की कोशिश, मेडल की जो फाइट है रिकनिंग के साथ उसके बीच एडमिनो चाहते तो है थर्ड पार्टी करना, लेकिन मौका जो है वो उतना बेहतरीन दिया नहीं जा पा रहा है।
अभी भी एडमिन फुल्ली फ्लेज्ड एंटर नहीं कर पा रहे फाइट ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे वो पूरा हुआ नहीं, लेकिन अभी के लिए एडमिन एक स्मार्ट मूड की तरफ से गाड़ी लेके भागने की कोशिश है यहाँ से, और शायद पीछे हटने में कामयाबी बिल्कुल मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। भाई ये लास्ट के चलते अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर लेने के हाइड्रा के ड्रीम नजर आते हुए काफी ज्यादा माय गुडनेस गॉड लाइक किसिम को डाउन कर दिया गया है। जोनाथन गेट्स टेकन डाउन एज वेल। हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस टीम गॉडलाइक जेली कवर फायर प्रदान करना चाहते हैं, जाते हैं, जाना चाहते थे रिवाइवल के लिए, लेकिन अभी के लिए तो नहीं हो पाया रिवाइवल। कोशिश करी बंदा है भाई कमरे में अंदर जाने का साउंड आ गया, ऊपर वेट कर दिया हट के। बहुत ज्यादा जरूरी है सामने की तरफ टीम हैदराबाद हाइड्रास भी फाइट में जाती हुई गॉडलाइक के अगेन मैड्रिक को शट डाउन किया है। एडमिनो सीम्स लाइक ही इज ऑन अ रोल। हैदराबाद हाइड्रास को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर कमाल करती हुई चार फिनिशेस खाते में आ चुके हैं। एडमिनो सामने से आ रही है, पियर्स को स्प्रे करने की कोशिश की एडमिनो ने, लेकिन अपने आप को पूरा एक्सपोज नहीं कर सकते थे क्योंकि पीछे से रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के और भी खिलाड़ी रहेगा यहाँ पे। इट इज अ 2v4 सिचुएशन जा रहा है, लेकिन अभी विन गॉट के मैच द्वारा राल को डाउन किया गया है। क्षेत्र की तरफ और सेम नॉर्दर्न रीजन की तरफ भी फाइट हो रही है, और तो सदर ओरिएंटेड भी एक फाइट होती है लाइक, लेकिन अभी के लिए गॉडलाइक को सतर्क रहना पड़ेगा। मोलोटॉव जितने भी थ्रोएबल्स है उसकी वर्षा कर दी गई है यहाँ पर एडमिनो के द्वारा। देखते हैं स्मार्ट मूव उनका कितना कारगर रहते हैं, पंक बस पीक कर रहे थे। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।